नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ 700 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। और आप लोगों का प्यार, दुलार और स्नेह मिलता रहेगा इसी तरह से, तो हम भी कुछ कर पाएंगे यूट्यूब पे। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग के अच्छे से अच्छे अंक आ सकें यूपी बोर्ड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 15B का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो भाई आप लोग जानते हैं कि एक सिक्के को उछाला जाए तो दो संभावित कुल परिणाम जो है दो होंगे, संभावित कुल परिणाम दो होंगे, और उनमें से एक चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक चित या पट आने की प्रायिकता एक होगी, ठीक है। तो कुल परिणाम माने अनुकूल परिणाम एक होगा, और संभावित परिणाम कितने होंगे? दो। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? दो। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 1/2, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 1/2। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझ चुके होंगे, एक सिक्के को उछालने पर जो है शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो शीर्ष आने के अनुकूल परिणाम जो है एक होगा, और कुल परिणाम दो है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो मान लीजिए एक पासे को आप फेंकते हैं, तो एक पासे पर जो है 1 से लेकर और 6 तक नंबर दिए होते हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 दिए होते हैं। तो इसमें सम संख्या क्या है? 2, 4 और 6 सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। तो सम संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। तो 3/6, इसका मतलब 3 × 3 और 3 × 6 1/2। तो इसका जो है अनुकूल परिणाम जो है क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो अतः विकल्प कौन सा सही होगा? 1/2, ये दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। अब जो है तीसरा हम लोग देखते हैं कौन क्या है। कह रहा है कि पासों का एक युग्म है, एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक युग्म यानी कि जोड़ा, यानी कि दो पासा फेंका जाता है, यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता क्या है। मैंने कम से कम अंक उस पर 5 आए, ठीक है, और 5 या अन्य अंक जोड़े हैं, मतलब 5 जैसे 4 या उससे अधिक अंक जोड़े हैं, मतलब या तो 9 आए या उससे अधिक आए, कम ना आए, अधिक से अधिक 5 आए, ठीक है, तो उसको जोड़े तो जो है 9 या अधिक आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रश्नानुसार, दो पासे को जब दो पासे को दो पासे पासे को एक बार जब दो पासे को एक बार दो पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम को एनएस से लिख सकते हैं, 36 होते हैं। कुल संभव परिणाम क्या होंगे? 36 होंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में देख सकते हैं, ठीक है, पूरा विस्तार से बताया गया है कैसे 36 होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा परिणाम बताइए जिस पर अधिक से अधिक 5 आए, या उनका योग 9 आए या उनसे अधिक आए, यानी कि लिख सकते हैं कि ऐसे परिणाम मौखिक संख्या, ऐसे परिणामों की संख्या जिनका योग
या 9 से अधिक हो? तथा कम से कम एक पासे पर अंक 5 हो। कम से कम एक पासे पर माने एक पासे पर अंक 5 जरूर हो। पासे पर अंक 5 हो तो परिणाम कितने होंगे? तो कुल परिणाम, तो कुल समाहित परिणाम कितने होंगे? तो कुल समाहित माने कुल परिणाम कितने होंगे, यानी कि कम से कम जो है 5 आए, तो कुल परिणाम जो हम लोग लिख सकते हैं बराबर क्या 5 4 हो सकता है। जिनका 9 हो, जिनका योग माने 9 हो या 9 से अधिक हो, तो एक हो जाएगा 5, और 5 जरूर आए तो एक हो जाएगा 5 4, एक हो सकता है 4 5 हो सकता है ना। आई वो कितना हो सकता है? 5 5 हो सकता है, मतलब अधिकतम 5 5 आए जरूर, ठीक है। एगो 5 6 हो सकता है, 9 हो ये हो गया या 9 से ऊपर हो। आई वो जो है कितना हो सकता है? 5 6 हो सकता है, हो सकता है ना। इसके अलावा और कुछ होगा? 5 4 4 5, 5 5 5 6, और 5 6 या 6 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 या 6 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 6 या 6 5, 5 6 या 6 5 हो जाएगा। तो कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि समूह परिणाम कितने होंगे, यानी कि इसकी प्रायिकता अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी माना अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5, अधिक से अधिक अंक 5 हो या उनका योग माने 5, और उनका योग 9 हो तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 5। तो अब प्रायिकता निकाल सकते हैं हम लोग। प्रायिकता बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि प्रायिकता PE बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी लिख सकते हैं बटा कुल परिणाम, यानी यस लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? 5/36, 5/36, क्योंकि कुल परिणाम जो है क्या है? 36 है, ठीक है। तो 5/36 हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? 5/36 वाला विकल्प सही होगा, और पहला विकल्प सही होगा, यानी कि पहला विकल्प होगा 5/36 वाला, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। देखिए चौथा कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या है? तो 3 से बड़े अंक क्या होंगे? 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यही ना होगा? यानी कि कितने होंगे 3 से बड़े अंक? 1 2 3। तो कुल तो संभावित परिणाम कितने बनेंगे? 3, और कुल परिणाम कितने बनेंगे? 6। 3/6, और 3/6 का मतलब 3 × 3, और 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2, और हमको हमारा विकल्प होगा चौथा, 1/2, ठीक है। तो इसमें बताने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है भाई। एक पासा को जो है फेंकने पर जो है ऊपर 3 से बड़ा अंक आने का, तो 3 से बड़ा अंक कितने आ सकते हैं? 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है अधिकतम कितने हैं? 3, इनकी अधिकतम परिणाम जो है 3 है, यानी कि कुल अनुकूल परिणाम जो है, इनके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 3, और कुल संभव परिणाम जो है क्या है? 6। तो 3/6 लिख देंगे, 3/6 का मतलब 1/2, यानी कि चौथा विकल्प सही होगा, ठीक है। अब देखिए दो पासे को, पांचवा, दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्या का योगफल 7 होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए दो पासा को जब एक साथ फेंका जाएगा तो अधिकतम परिणाम कितने होंगे? 36, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों पासों की संख्या का, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दो पासे को, दो दो
दो पासों को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने हैं? यानी एस बराबर लिख सकते हैं हम लोग 36। ठीक है, दो पासों को छाला जाता है तो संभव परिणाम 36 बनते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 25 में प्रश्नावली 15A में बताया गया है कैसे होते हैं। ठीक है, आप जो है क्या लिखेंगे, योगफल सात आने वाले युग्म कितने होंगे, युग्म कितने बनेंगे? तो युग्म लिख सकते हैं 1, 6, 7 होगा, 1, 6, 7 होगा, या 6, 1 ये भी आए तो 7 होगा, या 2, 5 ये भी आए तो 7 होगा, या 2, 5 आए या 5, 2 आए तब भी 7 होगा। ठीक है, या 4, 3 आएगा तब भी 7 होगा, या 3, 4 आएगा तब भी 7 होगा। अब इससे कुछ भी अधिक नहीं आएगा, अब कोई परिणाम आएगा जिसमें 7 हो? नहीं आएगा। तो कितने परिणाम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या ये लिख सकते हैं हम लोग, अनुकूल परिणामों की संख्या 6। ठीक है, तो अब प्रायिकता बराबर याद कर लेंगे, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, कुल परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है, तो 6 × 6, 6×6=36, कितने हो जाएंगे, 1/6। ठीक है, तो विकल्प देख लिया आप लोगों का कौन सही है, तो विकल्प पहला सही है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि सभी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसा भी समझ में आया हो आप लोग वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा, जो भी अपना सजेशन है, राय है, हमको बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आशा करेंगे कि आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और यदि लगता है कि वीडियो ठीक है और इससे जो है मैथ की पढ़ाई करना ठीक है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा जब भी वीडियो डाला जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।